हेलो फ्रेंड्स, हमेशा पहली कार खरीदने में 90% लोग गलती करते हैं। हमेशा गलत गाड़ी खरीद लेते हैं, या तो सबसे लोवेस्ट गाड़ी खरीद लेंगे या फिर सबसे टॉप एंड मॉडल खरीद लेंगे, और फिर पछताते हैं कि यार मेरे को तो 5 लाख की गाड़ी खरीदनी थी, ये 7 लाख की कैसे पड़ गई। मेरे को 10 लाख की खरीदनी थी, 12 लाख की हो गई है। अब मैं कैसे तो इसको चलाऊंगा, कैसा मैं पैसा चुकाऊंगा, और मुझे तो महंगी पड़ गई है। यही गलतियां हम लोग करते हैं अक्सर। सबसे होती है गलतियां, मुझसे भी हुई है, लोगों से होती है और होती रहेंगी, जब तक कि आपको ये सारे 5 पॉइंट जो मैं बताने वाला हूँ ये पता नहीं होंगे। तो 5 पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे कि हम लोग राइट चॉइस के साथ में, राइट कार और राइट अपने प्लान के साथ में, एक अच्छी सी, एक सुंदर सी, अपनी सुंदर सी फैमिली के लिए एक फैमिली कार अच्छे से खरीद पाएंगे। तो ये सारे 5 पॉइंट क्या हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं हूँ यार ब्रजेश कुमार, फोर टायर द कार रिव्यू चैनल पर। ये वीडियो आपको टेक उपदेश चैनल पर भी मिलेगा। तो मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ, 90% पीपल ऑलवेज बाई द रोंग कार, एक स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए। तो अपन बात करते हैं कि हमेशा लोग जो है या तो गाड़ी की गलत चॉइस कर लेते हैं या फिर अपने बजट से बाहर गाड़ी खरीद लेते हैं। ये सारी गलतियाँ क्यों होती हैं, क्योंकि हम पहला पॉइंट लेते हैं कि गाड़ी खरीदने से पहले हमारे पास में 2 ऑप्शन होते हैं, या तो हम बजट के अकॉर्डिंग गाड़ी खरीदें या फिर हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग गाड़ी खरीदें। ये सारी चीज़ें आती है। बजट की बात कैसे करते हैं कि जैसे हमें 5 लाख की गाड़ी खरीदनी है, जब हम शोरूम में जाते हैं और गाड़ी का बिल करवाते हैं तो हमारे साथ में क्या होता है कि गाड़ी 6 लाख 6.5 लाख की पहुंच गई है। 10 लाख की खरीदने जाएंगे तो 11 11.5 12 लाख की पहुंच गई है। 8 लाख की खरीदने जाएंगे तो 8.5 9 10 लाख तक की पहुंच गई है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गाड़ी का प्राइस और हम जो गाड़ी पसंद करते हैं उसके बाद में उसमें टैक्सेज लग जाते हैं, और उसके अलावा जो है RTO का चार्जेज लग जाता है। और फिर अक्सर ऐसा होता है कि हमें ये म्यूजिक सिस्टम पसंद नहीं है, इसमें ये एलॉय व्हील है, इसमें हम रिम लगवा रहे हैं, इसकी लाइट अच्छी नहीं लग रही, इसके रोफ रेल है, हमको सनरूफ वाली चाहिए, हमको लेदर सीट वाली चाहिए, हमको स्टेयरिंग मल्टीमीडिया चाहिए, डिजिटल क्लस्टर चाहिए, अच्छा सा टच स्क्रीन चाहिए, म्यूजिक सिस्टम चाहिए। ये सारी चीज़ें होने के बाद में हमारा बजट जो है 5 लाख का सोचा था 7 लाख कूद गया, 10 लाख का सोचा था 12.5 लाख कूद गया, 8 लाख का सोचा था 10 लाख पहुंच गया। भाई ये क्या हो गया? फिर आपको दुख होता है यार मैं कैसे तो गाड़ी चलाऊं, कैसे मैं पैसा बचाऊं, और फिर माइलेज का भी ध्यान नहीं रखते हो आप लोग। ये सारी गलतियां होती है। तो आपको करना क्या है, हमेशा अगर आपकी 5 लाख का बजट है, 10 लाख का बजट है या 8 लाख का बजट है, जो भी आपका बजट है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको मान लीजिए आप 6 लाख तक का बजट है आपका, 6 लाख वाली गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो आप हमेशा 5 लाख तक की ही गाड़ी को प्रीफर करें, हमेशा 5 4.5 4 लाख तक की ही गाड़ी प्रीफर करें। इससे क्या होगा कि गाड़ी के अंदर जब आप एक्स्ट्रा चीज़ें लगवाओगे ना, एलॉय व्हील, सीट कवर, लाइट, फॉग लैंप, म्यूजिक सिस्टम, ये सारी चीज़ें अगर आप जोड़ भी लोगे तो भी आपका बजट फिर 6 लाख 6.25 ये इस तक के आसपास बैठ जाएगा। 10 लाख की गाड़ी लेने की सोच रहे हो तो 8 8.5 तक की गाड़ी देखें, फिर उसके बाद में अपग्रेडेशन होगा, मॉडल अपग्रेडेशन, मान लीजिए लोअर लिया आपने, हो सकता है सेकेंड थर्ड मॉडल पसंद आ जाए, तो उस हिसाब से तो वहाँ पर आपका बजट, आपके बजट के अकॉर्डिंग गाड़ी आ जाएगी। तो 8 लाख की गाड़ी लेने की सोचे तो 6 6.5 लाख तक की गाड़ी देखें, फिर आपका जब बजट बिल बनेगा तब आपका जो है आपके बजट के अंदर गाड़ी हो जाएगी। तो ये सबसे पहला पॉइंट है जो कि हम अक्सर गलती करते हैं, समझ में आ गया आपको। सेकेंड पॉइंट की बात कर लेते हैं कि अब बात आता है सेकेंड पॉइंट, यहाँ पर होता क्या है कि गाड़ी हम लोन पे लें या कैश लें। अक्सर लोग क्या करते हैं, 1 साल रुक जाते हैं, 2 साल रुक जाते हैं, और क्या करते हैं, कैश इकट्ठा करके और गाड़ी ले आते हैं, और फिर बोलते हैं कि अब टेंशन खत्म, पेट्रोल लगाना और चलाना है। लेकिन अगर मेरे से पूछें आप, तो मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि गाड़ी को अगर आप कैश लेने की बजाय आप लोन पे लेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, इजी रहेगा आपके लिए, और आने वाले टाइम में भी आपको पैसों की दिक्कत नहीं होगी। जिसको आर्थिक संकट बोलते हैं वो भी नहीं आएगा परिवार में। कैसे? देखिए, आपने जैसे 7 लाख की गाड़ी है, आपको लेनी है 7 लाख की गाड़ी, तो 7 लाख की गाड़ी के लिए आप 2 लाख रुपये डाउन पेमेंट दे दीजिए, 5 लाख की आप EMI करवा लीजिए, तो आपको टेंशन फ्री हो गई, EMI देनी है, गाड़ी चलानी है, और आपका जो 5 लाख रुपए बच गया उस पैसे को आप इन्वेस्ट करिए, बच्चों के एजुकेशन पे कर सकते हो, घर को सुधार सकते हो, अच्छा और बना सकते हो, कुछ और चीज़ें हैं, सोफा, बेड, TV, कुछ और गाड़ियाँ, वो चीज़ ला सकते हो, और इसके अलावा आप इसको पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर SIP म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करोगे तो 5 लाख का आपको 8 8.5 लाख रुपये ईजिली मिल जाएगा, अगर आप एक साथ इन्वेस्ट करते हो तो। अब आप बोलोगे कि EMI पे लेंगे तो 5 लाख का आप इन्वेस्ट, तो वो तो बता दिया कि म्यूचुअल फंड या SIP करा ली तो 8.5 लाख रुपये तक मिल जाए, लेकिन ब्याज भी तो लगेगा EMI पे। जी हाँ, राइट है, अगर आप 5 लाख का लोन करवाओगे तो, लेकिन यहाँ पर ब्याज आपका 1,22,000 रुपये ही लगेगा, वो भी 5 साल तक देने पर। आज पैसा यूज में लिया, 5 साल तक में 1,22,000, तो SIP म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट किया ना आपने, तभी भी 3.5 लाख के समथिंग आपको ब्याज मिल जाएगा। तो 1,22,000 हटा दीजिए, 2 लाख तक का आपको बेनिफिट हो जाएगा, प्लस आपकी गाड़ी जो है वो चला ही रहे हो आप। और दूसरी बात, आपके पास आज बजट नहीं है, आप रुक रहे हो गाड़ी लेने के लिए कि 1 साल रुक जाता हूँ, पैसा आते एक साथ दे दूंगा,
वहां उस चीज से भी आप बच गए। जो पिछले अगले साल ले गए, 1 साल 2 साल बाद गाड़ी लेने की प्लानिंग कर रहे हो, उसको आप पहले ले सकते हो और ईएमआई पे आप शुरू कर सकते हो, तो गाड़ी का मजा आप आज से ही लेना शुरू कर सकते हो। तो ये भी एक ऑप्शन है, आप हमेशा इस ऑप्शन को भी आप ध्यान रख सकते हैं। तीसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं कि डीजल की लें, पेट्रोल की लें, सीएनजी लें या फिर इलेक्ट्रिक लें। तीसरा पॉइंट जो अपना है फ्यूल, टाइप ऑफ फ्यूल और टाइप ऑफ कार, कि कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए फ्यूल के अकॉर्डिंग में। तो मैं आपको एक चीज बोलूंगा, अगर आपकी रनिंग 1000 किलोमीटर तक 1 महीने की है, क्योंकि एक्चुअली होता ये है कि हम जो लोग जॉब पे जाते हैं, डेली जॉब पे जाते हैं, वीकेंड पे कहीं घूमने जा रहे हैं या फिर ऑफिस आना जाना है, बस इतना सा, तो मेरे हिसाब से 1000 किलोमीटर के अंदर इजीली हो जाता है अपना 1 महीने के अंदर। तो 1000 किलोमीटर तक की है तो कोई सी भी गाड़ी आंख बंद करके ले लीजिए। क्यों? पेट्रोल गाड़ी लेंगे तो आपको सस्ती मिलेगी, ठीक है, डीजल लेंगे थोड़ा सा फर्क आएगा पैसों का, 50,000 से 8,000, 1 लाख तक का, लेकिन इलेक्ट्रिक वो सीएनजी लोगे तो 1-1.5 लाख रुपए का फर्क आ जाएगा इजीली आपको, ठीक है, और इलेक्ट्रिक लोगे तो 2 लाख तक का फर्क आ जाएगा आपको इजीली तरीके से, जो गाड़ी या बजट में आप लेने की सोच रहे हैं तो। लेकिन अब इलेक्ट्रिक गाड़ियां सीएनजी गाड़ियां काफी बरपा आ रही है, तो बजट का थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है, इतना फर्क नहीं पड़ेगा। बात कर लेते हैं कि अगर रनिंग बढ़ गई या फिर मुझे तो चलाने में माइलेज अच्छा मिले और सस्ती लगे, तो मैं आपको प्रीफर करूंगा इलेक्ट्रिक गाड़ी। आप बोलोगे इलेक्ट्रिक गाड़ी तो बहुत महंगी आ रही है, जी हाँ महंगी आ रही थी, लेकिन अब सस्ती होना लग गई है क्योंकि अलग अलग कंपनी की अलग अलग टाइप की गाड़ियां आना शुरू हो गई है। अब टाटा की बात करें तो टाटा ने नेक्सोन निकाली थी उस टाइम पे 14 लाख रुपए की, अब नेक्स्ट दूसरी अपग्रेड करके निकाली तो 15, 16, 17, 18 तक की पहुंच गई है वो। लेकिन टाटा ने एक बड़ी बात और करी है कि टाटा ने टियागो निकाल दी आम लोगों के लिए, वो 8.5-9 लाख तक की बेस मॉडल मिल जाता है, 10-10.5 लाख रुपए तक का उसका सेकंड मॉडल थर्ड मॉडल मिल जाता है, उसमें इजीली हम लोग जो है पैसा बचा सकते हैं। चारों गाड़ियों की बात कर लेता हूं मैं, डीजल, पेट्रोल, सीएनजी और इलेक्ट्रिक, कितना पैसों का फर्क आएगा। देखो डीजल या पेट्रोल गाड़ी लोगे, रनिंग कम है तो आप, मैं बोलूंगा डीजल पेट्रोल ले लीजिए, फ्यूल तो डलेगा लेकिन गाड़ी भी सस्ती मिलेगी और जितना चलाओगे उतना फ्यूल डलाना पड़ेगा। रनिंग ज़्यादा है आप चाहते हो सस्ती पड़े तो सीएनजी लोगे, सीएनजी के अंदर पेट्रोल डीजल से आधा पड़ेगा और आपको थोड़ी सी महंगी पड़ेगी। इलेक्ट्रिक में टियागो का ऑप्शन आ गया है, अच्छा है, 8 से 10 लाख के बीच में आप अपना बजट निकाल सकते हो। अगर फ्यूल माइलेज और पैसों की बात करें अपन, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिक गाड़ी 1.5 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से चलेगी आपकी जितना आप चलाओगे, और अगर आप सीएनजी गाड़ी लोगे तो 3 रुपए के हिसाब से चलेगी, 3 रुपए का 1 किलोमीटर के हिसाब से। पेट्रोल या डीजल की सोचोगे तो पेट्रोल की गाड़ी 6 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से चलेगी आपकी, डीजल की 5 रुपए मान लीजिए आप, ठीक है। तो इतना फर्क आ गया, यानी कि 1000 किलोमीटर की रनिंग में आपका कितना पैसा लगेगा। अगर आप 1000 किलोमीटर में अगर इलेक्ट्रिक गाड़ी लेते हो तो 1500 रुपए का बिल आएगा 1 महीने का आपका, और सीएनजी गाड़ी लोगे तो आपका 3000 रुपए का सीएनजी डलेगा 1000 किलोमीटर को कवर करने में। वहीं पर अगर पेट्रोल की गाड़ी लेते हो आप, तो आपको यहाँ पर 6000 रुपए देने पड़ेंगे पेट्रोल के हर महीने पे, डीजल पे 5000 के समथिंग लगेंगे आपको। तो आपको शायद डिफरेंस समझ में आ गया कि क्या लेना है, बजट के साथ साथ फ्यूल का भी आपको ध्यान रखना है। तो आप अगर इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने की सोच रहे हो तो टियागो बेस्ट ऑप्शन है, 8 से 10 लाख के बीच में आपकी चॉइस के हिसाब से, क्योंकि इसमें दो तरह की गाड़ियां आती है, 250 किलोमीटर रेंज वाली और 315 किलोमीटर रेंज वाली। अगर आपको दिल्ली जाना है, इतनी दूर के लिए जा रहे हो आप, तो आप मैं सोचूंगा कि 315 किलोमीटर वाली रेंज वाली गाड़ी लेने की सोचें आप, क्योंकि आप बोलोगे कि चार्जिंग पॉइंट, भाई वहां पे जिसके घर पे जा रहे हो रात को आप चार्जिंग कर सकते हो, लेकिन एटलीस्ट वहां तो पहुंचो आप, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि रेंज का, ठीक है। तो टाइप ऑफ फ्यूल आपको पता चल गया कौन से फ्यूल वाली गाड़ी लेनी है। अब चौथा पॉइंट की बात कर लेते हैं यहाँ पर। अब फोर्थ पॉइंट आता है अपना टाइप ऑफ कार, यानी कि हैचबैक गाड़ी लूँ, सेडान लूँ या फिर एसयूवी लूँ या फिर कॉम्पैक्ट एसयूवी लूँ, ये गाड़ियाँ हैं। इनमें हैचबैक के अंदर कौन सी गाड़ियाँ आती हैं, स्विफ्ट हो गई, सिलेरियो हो गई है, ऑल्टो हो गई है, क्विड हो गई है, दूसरी बात आपका होंडई i10 हो गई है या फिर सेंट्रो हो गई है, इस तरह की छोटी गाड़ियाँ जिनके अंदर डिग्गी के साथ गाड़ी को बनाया जाता है, डिग्गी उसी के अंदर होती है, उस गाड़ी को बोलते हैं अपन हैचबैक गाड़ियाँ। सेडान कौन सी होती हैं, जिनमें डिग्गी बाहर निकली रहती है और इंजन भी बाहर होता है और गाड़ी इस तरह से दिखती है आपको, यानी कि वो गाड़ियाँ जिनमें डिग्गी बाहर होती है और कंफर्ट अच्छा होता है उसको सेडान बोला जाता है, ग्राउंड क्लियरेंस कम रहता है उसमें। किस तरह की गाड़ियाँ होती हैं, i20 हो गई है, अल्ट्रास हो गई हैं, स्विफ्ट डिजायर को भी मान सकते हैं, बलेनो को मान सकते हैं हम लोग, और सियाज हो गई है, होंडा सिटी हो गई है, इस तरह की गाड़ियाँ जो लंबी होती हैं, डिग्गी अलग से निकली रहती है, उनको सेडान गाड़ियाँ होती है, अच्छा सा कम्फर्ट होता है, लंबी पूरी गाड़ी होती है, बैठने में बड़ा मजा आता है, पीछे वाले को और ज़्यादा मजा आता है जो पीछे बैठता है, ठीक है। ये हो गई सेडान गाड़ियाँ। एसयूवी और कॉम्पैक्ट एसयूवी गाड़ियाँ कौन सी है, किया सोनेट हो गई है, सेल्टोस हो गई है, ब्रेजा हो गई है, नेक्सोन हो गई है, एक्सयूवी 300 हो गई है, इस तरह की गाड़ियाँ एसयूवी कॉम्पैक्ट एसयूवी के अंदर आती हैं।
तो ये गाड़ियां में कौन सी गाड़ी हमें लेना सही रहेगा? मैं आपको बता दूं कि अगर लोग क्या शो ऑफ करते हैं बड़ी गाड़ी के चक्कर में, और अच्छी गाड़ी ऊंची गाड़ी चाहिए ऑफ रोडिंग के हिसाब से, तो लोग कॉम्पैक्ट एसयूवी एसयूवी की ओर जाते हैं, जैसे ब्रेजा हो गई है, नेक्सोन हो गई है, XUV300 हो गई है, किया सोनेट, किया सेल्टोस, खुद को चलाना है, ऑफ रोडिंग करनी है, जैसे मर्जी गड्ढे आ रहे हैं उनका कोई ध्यान नहीं रखना, कैसा भी बम्पर आ रहा हो, कैसी भी रोड हो, अच्छे से चलाना है और खुद को चलाना है फील करते हुए, तो वो लोग SUV कॉम्पैक्ट SUV लेते हैं। नुकसान क्या है इसमें? माइलेज बहुत कम मिलता है, क्योंकि इन गाड़ियों का माइलेज आपको 10 से 12 ही मिलता है एक्चुअल के अंदर, ऑन रोड की बात करें तो माइलेज नहीं मिलता है, तो लोग इसीलिए पछताते हैं, लेनी उसको हैचबैक थी ले ली उसने शॉप के चक्कर में, दिखावे के चक्कर में SUV गाड़ी कॉम्पैक्ट SUV, पैसे भी ज़्यादा दिया है और माइलेज भी नहीं मिला, जिंदगी भर रोता है। और बड़ी गाड़ी लेने का नुकसान ये है कि उसको जल्दी से बेचता भी नहीं आदमी, ये गलती कर देता है। लेकिन मजा लेना है खुद को चलाने का, माइलेज की टेंशन नहीं है, पैसों की टेंशन नहीं है, और फील करना है जैसे मर्जी गड्ढे आ रहे हैं, ऑफ रोडिंग कर रहा है, पहाड़ों पर जा रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, तो आप ले सकते हैं SUV कॉम्पैक्ट SUV, जिसके अंदर ब्रेजा, XUV300, नेक्सोन, किया सोनेट, किया सेल्टोस, XUV300, ये सारी गाड़ियाँ इसके अंदर आती हैं। बात करते हैं कि सेडान गाड़ियाँ किन को लेनी चाहिए। अब आपको ऑफिस जाना है, कंफर्ट के साथ में जाना है, अच्छा रोड है, सिटी के अंदर रहते हो, अच्छा फिनिशिंग वाला रोड है, और या फिर आप ड्राइवर रखते हो, ड्राइवर चलाएगा, आपको सिर्फ पीछे बैठना है आराम से, और बैठने का मजा लेना है, लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, इस तरह का फील लेना है, अच्छे से चलना है, तो आपको सेडान गाड़ियाँ लेना चाहिए, क्योंकि कंफर्ट काफ़ी अच्छा आता है, बैठने में मज़ा आ जाता है, सीट काफ़ी डिक्लाइन रहती है, काफ़ी रिलैक्स होकर बैठता है आदमी, और ड्राइवर अगर चला रहा है तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है पीछे बैठने वाले को। इस कंडीशन में अगर आपको लेनी है तो सेडान गाड़ियाँ लीजिए, माइलेज भी ठीक मिलता है इन गाड़ियों का, 18-20 के समथिंग इजीली माइलेज मिल जाता है, और ये ग्राउंड क्लियरेंस लेकिन कम रहता है, ऑफ रोडिंग ऊंचा नीचा रोड है तो वहाँ पे आपको दिक्कत होगी नीचे से अड़ने का, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस कम रहता है, लेकिन कम्फर्ट बहुत ज़्यादा रहता है इसके अंदर। ठीक है, ड्रिंक वगैरह करना हो बैठ के आराम से, कोई गड्ढे वगैरह नहीं आए, तो आहा प्रीमियम में मज़ा आता है, इस प्रीमियम हैचबैक गाड़ियों के अंदर, प्रीमियम हैचबैक गाड़ियाँ हो गई या फिर सेडान गाड़ियाँ हो गई, इनके अंदर ज़्यादा मज़ा आता है, ये हो गई आपकी टाइप ऑफ कार। अब बात करते हैं हैचबैक गाड़ी आपको कौन सी लेनी है, बजट और माइलेज के चक्कर में, तो मैं बोलूंगा हैचबैक गाड़ियां। क्यों? क्योंकि ये गाड़ियां सस्ती आती है, 5 से 7 लाख के बीच में इजीली आ जाती हैं, माइलेज भी इनका भरपूर मिलता है, 20, 22, 24, 30, 32, 34 आराम से मिल जाता है, पेट्रोल डीजल प्लस CNG मिला करके आराम से इनका माइलेज, CNG की बात कर लें तो 34 तक जाता है सुजुकी की गाड़ियों का। इन गाड़ियों में कौन कौन सी आती है? स्विफ्ट हो गई है, i10 हो गई है, और सिलोरियो हो गई है, सेंट्रो हो गई है, क्विड हो गई है, ऑल्टो हो गई है, इस तरह की गाड़ियाँ आती है। फ़ायदा क्या है? एक छोटी सी फैमिली के लिए अच्छी सी कंफर्टेबल जगह मिल जाती है, 5 लोग इजीली बैठ पाते हैं, डिग्गी का स्पेस भी मिल जाता है इनके अंदर, और माइलेज भी अच्छा खासा मिलता है, प्लस सस्ती भी आती है, और आपके बजट के अकॉर्डिंग आपको अच्छी सूट करती है ये गाड़ी। तो ये चीज़ अगर आप सोचोगे तो पैसा बचेगा, क्योंकि माइलेज अच्छा मिल गया तो पैसा बच गया, खरीदने में आपका पैसा बच गया, आपके फैमिली को और आपको क्या नीड थी उस पर फोकस करें आप कि आपको किस तरह की गाड़ी चाहिए। ये भी टाइप ऑफ कार का 4 पॉइंट हो गया है। लास्ट करते हैं बात 5वें पॉइंट की, 5 पॉइंट की बात करते हैं। आपने गाड़ी भी बजट भी फिक्स कर लिया है कि कितने बजट वाली गाड़ी चाहिए, कैश पे लेना चाहिए, लोन पे लेना चाहिए, ये भी फिक्स कर लिया आपने, फ्यूल भी डिसाइड कर लिया हो कि पेट्रोल डीजल CNG या इलेक्ट्रिक, और आपने टाइप ऑफ कार यानी कि हैचबैक लेनी है, सेडान लेनी है, या फिर आपको SUV कॉम्पैक्ट SUV लेनी है, ये सारा पॉइंट होने के बाद में आप 5वें पॉइंट है अपना कि आप कार कंपनी कौन सी लोगे, आप डिसाइड करनी पड़ेगी मुझे हुंडई लेनी है या फिर सुजुकी लेनी है, नेक्सा की लेनी है, महिंद्रा की लेनी है, या फिर आपको किया की लेनी है, काफ़ी सारी कंपनियां हैं, काफ़ी तरह की गाड़ियां हैं, कौन सी कंपनी में मुझे जाना ठीक रहेगा। तो मैं एक चीज़ बोलूँगा आपको कि आपका बजट, आपका फ्यूल, टाइप ऑफ कार सब कुछ डिसाइड हो गई है, तो मैं एक चीज़ बोलूँगा कि जैसे मान लीजिए आपने हैचबैक गाड़ी पसंद की, आपने स्विफ्ट जैसी ये गाड़ी पसंद की है, तो आप, मैं बोलूँगा कि स्विफ्ट जैसी गाड़ियाँ आपके बजट में, आपके फ्यूल टाइप में किस किस कंपनी में गाड़ियां हैं, ये वाली आपके बजट वाली कैटेगरी की, और आपके बजट, फ्यूल, टाइप ऑफ कार, ये सारे पॉइंट्स अगर आप देखें तो ये किस किस कंपनी में है, उन सारी कंपनियों में जाकर के आप अच्छे से विजिट करिए, उनका टेस्ट ड्राइव लीजिए, उनसे फाइनल बिल बनवाइए, कितने की पड़ जाएगी मुझे ऑन रोड, क्या क्या दे रहे हो आप, सारी कंपनियों में एक बाई एक जाके आइए आप, और अच्छे से टेस्ट ड्राइव और फील करिए गाड़ी के अंदर, बैठ के फैमिली को ले जाइए आराम से बैठ के, और तसल्ली से देखिए, उसके बाद में ही आपको, कंपनियां सब एक जैसी हैं, क्योंकि कंपनियों की अगर मैं बात करूं तो टोयोटा को सबसे अच्छी कंपनी माना जाता है, लेकिन वो सुजुकी की गाड़ियां लेती है, ब्रेजा को लेकर के उन्होंने जो है अर्बन क्रूज बना दिया है, बलेनो को लेकर के उन्होंने ग्लेंजा बना दिया है, इस तरह की तो टाइप ऑफ बॉडी एक ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रहती है इनकी, बस टिन, और उस टिन का फर्क पड़ता है कितने गेज का यूज करते हैं ये लोग,
फर्क नहीं है। अगर आप SUV गाड़ी में जाओगे तो ज्यादा फर्क नहीं आता, ये फर्क आता है सिर्फ हैचबैक गाड़ियों में, छोटी गाड़ियों में, क्योंकि उनको सस्ती बनानी है। सुजुकी है हमेशा गाड़ी सही नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते गाड़ी सही नहीं, मतलब गाड़ी बहुत अच्छी बनाती है, इंजन बहुत परफेक्ट है उसका, सब कुछ अच्छा है, लेकिन वो सस्ती और वेट कम और माइलेज ज्यादा देने के लिए गाड़ी में प्लास्टिक चीजें यूज करती हैं, टिन थोड़ा सा कम यूज करती है ताकि वेट कम हो, और रिड्यूस करती है हर एक चीज, हर एक पार्ट के अंदर से वेट जितना रिड्यूस कर सके ताकि आपको ज्यादा माइलेज मिल सके। सिक्योरिटी की बात करें तो आजकल सब में कंपलसरी हो गया, दो एयरबैग कंपलसरी हो गया है, फ्रंट में एक ड्राइवर वाला तो आता ही आता है, पैसेंजर वाला भी मिल जाता है, ABS ABD वगैरह सब कुछ कंपलसरी हो गया है, तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। और इतने सालों से सुजुकी की गाड़ियां भी चल रही हैं, कोई दिक्कत नहीं आती, छोटी गाड़ियों में कोई दिक्कत नहीं आती। सेंट्रो हो गई है, i10 हो गई है, स्विफ्ट हो गई है, इस तरह की गाड़ियों को आप अपने इसमें बजट में देख सकते हैं, कंप्रोमाइज कर सकते हैं। लेकिन मैंने क्या बोला पांचों पॉइंट में, हर कंपनी की उस कैटेगरी की कार को पहले से आप पॉइंट डाउन कर लीजिए कि जैसे कोई भी गाड़ी है जिस बजट में आपके, जैसे 7 लाख का बजट आपका, तो 7 लाख की गाड़ियाँ किस किस कंपनी में है और किस किस टाइप की आपको पसंद है, उन पे वो सभी जाइए, विजिट करिए, बिल बनवाइए, अच्छे से रिव्यू करिए, उसके बाद में आपको डिसाइड करना कि, क्योंकि कोई सी भी कंपनी की गाड़ी चलेगी कंपनी पे मत जाइए, सबकी वारंटी आती है, सबकी वारंटी गारंटी सर्विस सेंटर सेम है, सेम प्राइस कॉस्ट रहती है, सर्विस की भी कोई ज़्यादा नहीं आता। लोग पहले बोला करते थे कि हुंडई की गाड़ी का सर्विस कॉस्ट ज़्यादा होता है, सुजुकी का कम होता है, महिंद्रा का ज़्यादा होता है, किया का कम होता है, आजकल कुछ नहीं, आजकल ट्रेंड आ गया है, लोग किया की भी खरीद रहे हैं, टोयोटो के भी खरीद रहे हैं, महिंद्रा की भी खरीद रहे हैं, सुजुकी की भी खरीद रहे हैं, रेनो की भी खरीद रहे हैं, निशान की भी खरीद रहे हैं, सब तरह की गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, तो कोई कंप्रोमाइज नहीं है। आप हर कंपनी की गाड़ी देखें बजट के अकॉर्डिंग, फिर आप डिसाइड करें कि मुझे कहाँ फ़ायदा है, मेरे बजट में कहाँ आ रही है, मेरे फ्यूल टाइप में कहाँ आ रही है, मेरी जेब को भारी तो नहीं है, मुझे कंफर्ट तो मिल रहा है ना, फैमिली सेटिस्फाइड है ना, ये सारे पॉइंट कवर करने के बाद में फिर आप गाड़ी को फाइनल करिए, तब जाके आपको एक अच्छी गाड़ी आपके बजट में, राइट कार राइट चॉइस के साथ में आपके बजट में गाड़ी मिलेगी। ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि मैंने आपके लिए फाइंड आउट किए हैं, और आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक करिएगा, एक कमेंट जरूर छोड़िएगा कि आपको अगर गाड़ी लेनी हो कौन सी गाड़ी, उस गाड़ी का नाम बताइए, और आपके लिए कौन सी कंपनी सबसे बेस्ट है, अगर आपको कोई गाड़ी लेनी है तो किस कंपनी की आप लेना पसंद करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।